आदाब नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। हेलो दोस्तों, NNTV नागपुर न्यूज टीवी पे मैं मोहम्मद शहजाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कोरोना वायरस की महामारी चारों तरफ बड़ी तेजी से फैल रही है। जब से लॉकडाउन हटने की बात लोगों को पता चली है, मार्केट में रश बढ़ता जा रहा है और लोगों की लापरवाही से कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक पार्टी AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर नागपुर के कुछ कार्यकर्ताओं ने आज एक इतना बेहतरीन काम अंजाम दिया कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर नागपुर में चार खंबा चौक पर AIMIM की उत्तर नागपुर की बॉडी के कुछ कार्यकर्ताओं ने, कुछ लोगों ने हर आने जाने वालों को, जिनके पास, जिनके चेहरे पे मास्क नहीं लगा था, उन्हें फ्री में मास्क बांटे और मास्क देने के बाद में उन्होंने ये कहा कि ये मास्क आपके लिए है, आपकी सेफ्टी के लिए है, हमारी सेफ्टी के लिए है, और अगली बार आप जब भी अपने घरों से निकलेंगे तो मास्क पहन के निकलिए। कितनी खूबसूरत बात है दोस्तों कि एक कार्यकर्ता, एक पार्टी के कार्यकर्ता इतना बेहतरीन काम करते हैं। अगर सभी पार्टी के कार्यकर्ता इसी तरीके से काम करने लग जाए मिलजुल के, तो हमारे देश में अमन अमान कायम हो जाएगा। इस खूबसूरत काम को अंजाम देने के लिए उत्तर नागपुर AIMIM की पार्टी के कुछ जो वर्कर्स है, मैं उनके नाम लेना चाहूंगा आपके सामने, ताकि मोटिवेट हो और दूसरे भी पार्टी के लोग और ऐसे आगे आके सामने काम करें। इसलिए दोस्तों मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, शारिफ पठान के बाद में वसीम शेख, नावेद शेख, रिजवान अहमद, अतीक शेख, इरफान शेख, सलमान शेख, मोहसिन शेख, अब्दुल शेख, पाशु भाई, जावेद भाई, अनस खान, शकील अली, बशीर भाई, आरिफ शेख, रिजवान भाई, तारिक शेख और रफीक भाई का समावेश है। दोस्तों आप कहेंगे इतने नाम क्यों लिए? ये नाम लेना इसीलिए जरूरी है कि ताकि ये भाइयों ने जो बेहतरीन काम को अंजाम दिया, इनको देख के दूसरे भी और मोटिवेट हो। ये लोगों ने कोई नाम के लिए काम नहीं किया, ये समाज के लिए काम किया है, लेकिन दूसरे लोगों को मोटिवेट करने के लिए इनके नाम लेना जरूरी है। बने रहिए दोस्तों नागपुर न्यूज टीवी के साथ। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, टाइप कीजिए NNTV या नागपुर न्यूज टीवी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि हमारी हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपके सामने पहुंच जाए। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए नागपुर न्यूज टीवी। फेसबुक पे हमारा ग्रुप है नागपुर न्यूज टीवी, उसे ज्वाइन कीजिए। आगे की खबरों के लिए बने रहिए नागपुर न्यूज टीवी के साथ।